तो सानिया, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं बताओ। बोलो बोलो। डेफिनेशन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। याद रखो, एक्सेस नहीं मॉडिफायर यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, डेटा मेंबर एंड मेथड्स, क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर। जो भी आप यहाँ पे बना रहे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लास बनाया, ठीक है। क्लास बना लिया, क्लास का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे मेन, है ना। क्लास का नाम मैंने मेन ही रख दिया, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पास करते हो, जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू कर दिया, है ना, 5 कर दिया, एंड देन मेन फंक्शन बना के काम कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों हो गया, क्योंकि ये क्लास के अंदर रखा हुआ है, इस वजह से इसका नाम चेंज हो गया। तो इसी तरीके से क्या है कि आप एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे जो स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर प्रोटेक्टेड है। तो अभी ये क्या रखा हुआ है, पब्लिक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप इसके आगे कोई मॉडिफायर नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिकली होता है, ठीक है। तो इसको हम कमेंट करते हैं। हमारे पास ना चार टाइप के फोर टाइप्स के मॉडिफायर होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट, अभी बताया डिफॉल्ट के बारे में, है ना। दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्टेड, और एक लास्ट आ गया आपका पब्लिक, जो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते हुए आ रहे हो। ओके, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये आपके आगे चार मॉडिफायर। डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या होते हैं, डिफॉल्ट मॉडिफायर वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एन एक्सेस मॉडिफायर फॉर अ क्लास, फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट ही डिक्लेयर रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कोड लिखा, तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या था, पब्लिकली रहता है, ठीक है। तो एक क्या है, मॉडिफायर आ गया, डिफॉल्ट मॉडिफायर आ गया। तो इस तरीके से आता है इसमें, ठीक है। अब प्राइवेट एक्स किसके बारे में बात करते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। अब प्राइवेट किस किस के साथ लग सकता है, प्राइवेट का आप यूज़ कर सकते हो, ये लगा सकते हैं मेथड के साथ लगा सकते हो, ठीक है। किसके साथ यूज़ कर सकते हो उसको, मेथड के साथ यूज़ कर सकते हो, और किसके साथ यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक क्या आ गया आपका, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के साथ आप इसमें प्राइवेटली इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब प्राइवेट क्या है, एक ऐसा मॉडिफायर है जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस लेवल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर, जैसे क्लास में या फिर इंटरफेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लास बना लिया, है ना। क्लास बनाया, क्लास का नाम यहाँ रख देते हैं, मेन रख देते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्राइवेट एंड, प्राइवेट एंड एज इक्वल टू, मैंने 12 डाल दी। तो आपकी एज जो है प्राइवेट हो चुकी है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर, किसका, मेन का ऑब्जेक्ट बनाकर, ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करके आप यहाँ पे क्या करते थे, डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस क्या करते थे ना। तो मैं वही करूँगा, ओबीजे डॉट एज कर दिया यहाँ पे, है ना। और हमने यहाँ पे क्या करा, एज प्रिंट कराने ट्राई करा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये तो नहीं ले पा रहा, पहले ले लिया करता था, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आपको मिल जाया करता था ना आंसर आपको, बट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्या रीज़न आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही से डिक्लेयर नहीं करा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे डॉट एज कर दोगे, तब तो भाई एक्सेस कर रहा है ना सही से। तो देखते हैं मैं ये क्या आउटपुट दे पाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 12 मिल चुका है ना, क्योंकि इसी के अंदर रखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एज इक्वल टू 13 करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो इसने मुझे एरर दे दिया एरर, ठीक है। अनरिजॉल्व कंपाइलर से प्रॉब्लम आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपने इसको प्राइवेट रख रखा है। आप चेंज कैसे कर रहे हो इसको, कैसे हिम्मत हो गया आपको चेंज करने की, साफ सीधा बोल रहा है। इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब अगर यहाँ पे क्या है कि आपको अगर इसमें काम करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा, फिर डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। और एक और चीज़, यहाँ पे मैं देखे जा रहा था, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली प्राइवेट के अंदर कुछ वैल्यू ना रखे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। प्राइवेट मतलब नाम में पता चल रहा है, एक सिक्योरिटी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यार इसके अंदर वैल्यू कैसे डाली जाएगी अगर ये प्राइवेट है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक
पब्लिक, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पब्लिक इंट और गेट नाम का एक मेथड बना देते हैं जो क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा बताओ, दिस डॉट एज को कर दिया इसने। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे गेट कर दिया तो आपको सेट भी करना पड़ेगा, है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो पब्लिक, मुझे कोई रिटर्न रिटर्न वैल्यू चाहिए नहीं, तो वॉइड, और यहाँ पे हम सेट नाम का मेथड बना देते हैं, और इसके अंदर आप क्या करोगे, पास कर दोगे किसको, एज को, और हम यहाँ क्या करते हैं दिस डॉट का यूज़ करते हैं, डॉट एज इक्वल टू एज। समझ में आया ऐसा क्यों किया मैंने, कंस्ट्रक्टर पढ़े हुए तो पता चल जाएगा। आगे चीज़, दिस कीवर्ड तो पढ़ाया था ना मैंने, याद है ना, और यहाँ पे इतना पार्ट हमने कर दिया, बट यार इसके अंदर वैल्यू कैसे रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट तो आप बना चुके हो, ऑब्जेक्ट बना लिया ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट करते हैं वैल्यू को, है ना, एज को सेट कर देते हैं, तो ओबीजे डॉट सेट, और इसके अंदर एज डाल देते हैं 12, मैंने एज सेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, कॉल करा लेते हैं अपने किसको, गेट को, तो ओबीजे डॉट गेट को कॉल करा लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, आ गया आउटपुट, आ गया ना, देख रहे हो, हाँ यार करना पड़ता है, ठीक है, ये मॉडिफायर्स के बारे में बता रहा हूँ कि मॉडिफायर काम कैसे करता है। ओके, अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की, किसकी बात करते हैं, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर की। अब ये जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर होता है, ये भी इन तीनों जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ओके, इनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, एक मिनट एक मिनट, प्राइवेट जो होता है ना, वो आपके खाली जो सुपर क्लास होती है ना, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट प्रोटेक्टेड जो होता है ना, आपकी सब क्लास और पैकेजेस में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, इस चीज़ को याद रखना। अब कैसे, ध्यान से देखो ज़रा, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट किया, आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, क्लास बनाया मैंने, वन नाम की क्लास बना लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड पास किया, और यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे रख देते हैं, प्रिंट वन, रिटर्न वैल्यू नहीं देगा, प्रिंट वन नाम का मैंने मेथड बना दिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं इट्स वन क्लास, ठीक है, क्या अब ठीक है, इट्स वन क्लास ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक चाइल्ड क्लास बनाने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा वो तो इनहेरिटेंस याद होगा ना, ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाया मैंने यहाँ पे, तो चाइल्ड क्लास करते हैं, क्लास और चाइल्ड का नाम रख देते हैं, चाइल्ड ही रख देते हैं, ठीक है, जो क्या कर रही है, एक्सटेंड का यूज़ करके किस किसके अंदर की प्रॉपर्टी ले रही है, वन के अंदर की प्रॉपर्टी ले रही है, किसके अंदर की ले रही है, वन के अंदर की प्रॉपर्टी ले रही है, अभी हो गया। अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे ओबीजे, सॉरी वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे, वन ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करा, वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीजे से आप क्या करोगे यहाँ पे, ओबीजे डॉट, और किसको कॉल करेंगे, प्रिंट वन को, ठीक है, किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वन को यहाँ पे कॉल करा लोगे, मामला ख़त्म, कोई दिक्कत, अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, देखो ये काम हम किस में करते थे, इस काम को हम करते थे अपने मेन फंक्शन के अंदर, भूल जाते हो क्या, भूल जाते हो, तो देखो मेन फंक्शन के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देन कॉल करा लिया, ठीक है, थोड़ा सा यार सोच समझ के आंसर दिया करो, और हम इसको रन करा लेते, देखते क्या कहता है, अब क्या एरर आ गया इसमें, एरर तो कुछ नहीं आना चाहिए, सही है, ये रन नहीं कर रहा,
क्योंकि मैंने पेरेंट क्लास के अंदर ही चाइल्ड क्लास बना देती है ना। अब देखिए रन कर जाएगा, आ गया ना, इसके अंदर का डेटा यहाँ पे एक्सेस कर लिया गया। ठीक है, तो ये था आपका। और पब्लिक के बारे में तो आप स्टार्टिंग से काम करते हुए आ रहे हो, तो पब्लिक का नहीं बताऊंगा मैं ना। तो ये थे आपके चार मॉडिफायर जिनके साथ आप काम करेंगे, और पता होना चाहिए ठीक है कि मॉडिफायर्स होते क्या है, मॉडिफायर के साथ काम कैसे किया जाता है। तो इस पार्ट में कोई दिक्कत है यहाँ पर मॉडिफायर्स में? बोलो यार। सर प्रोटेक्टेड वाला मैंने समझ लिया है, और वो वाला प्राइवेट वाला तो समझ आ गया। ये वाला जो आपने बताया ना, प्रोटेक्टेड का याद रखो, देखो प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट, ये सारे मॉडिफायर्स होते हैं जो एक्सेस स्पेसिफायर ही होते हैं सारे के सारे, जिनके साथ आप काम करते हैं ना। अब इसमें क्या है चीज़ें कि इनको कैसे यूज़ किया जाए। इसने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड होता है आपकी सब क्लास के लिए और आपके पैकेजेस में काम करता है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस की। किसकी बात करते हैं? इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ओके यार, आप लोगों का बैच बहुत स्लो चलाया है, अब नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है बताओ? इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ये क्या करता है, एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज को, आपकी पेरेंट प्रॉपर्टीज को चाइल्ड प्रॉपर्टीज में एक्वायर करवाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोड के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, कोड के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास क्लास बना लेते हैं, किसकी, हम मेन नाम की क्लास बना लेते हैं। बनाती, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल पास कर देता हूँ, इंट जेड इक्वल टू, मैंने 12 पास कर दिया। ओके, ये कर दिया। अब हम इसके अंदर एक मेथड भी बना लेते हैं, तो पब्लिक और वॉइड एंड एबीसी नाम का मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मेथड बना दिया, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इट्स वीजे क्लास। बना दिया, अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं। क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास का कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे आपने मेन क्लास बना दी, ये क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, या तो आप इसको पेरेंट क्लास कह सकते हो, ड्राइव क्लास कह सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, चाइल्ड का नाम रख देते हैं चाइल्ड, कर दिया। यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, आपको प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करने में हेल्प करता है। और किसके प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करने में, आपके मेन क्लास को। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, मेन रख देता हूँ, रख दिया। तो अब इसकी जितनी भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना, अब वो इस चाइल्ड के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मैं सिंपल सा एबीसी नाम का मेथड बना देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं इट्स एबीसी मेथड। ठीक है, इट्स एबीसी मेथड बना दिया। अब देखना है यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाइल्ड लिखा है यहाँ पे, चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू, न्यू कीवर्ड का यूज़ करा और चाइल्ड लिख दिया, खत्म। और यहाँ से ओबीजे डॉट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने इसको एक्सेस, देखो चाइल्ड का तो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, बट देखो इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, है ना, ये तो कर रहा हूँ। मीन्स इसको यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल एक्स, और इसको हम डायरेक्टली इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब इसके मेथड को कॉल करें, इसके ऑब्जेक्ट्स इसके मेथड को कॉल करें, तो चलिए इसके मेथड्स ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम एबीसी को कॉल कराते हैं। ठीक है, करा दिया कॉल। अब चाइल्ड से ही इसके खुद के मेथड एबीसी की जगह पे मैं यहाँ पे ए बी रख देता हूँ। ठीक है, अब चाइल्ड से ही हम इसके चाइल्ड का मेथड को कॉल करेंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, और इसके अंदर क्या रख देते हैं, ओबीजे डॉट ए बी। ठीक है, देखा आपने, इसी चाइल्ड से, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से मैंने इनको प्रिंट करवा दिया, और इसी से इसको प्रिंट करवा दिया। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। पाते हैं जीडीबी ओपन करा, जीडीबी को ओपन किया, और
जाओ। वीडियो डॉट ऐड ऐड ही है ना यहाँ पे। अच्छा सिम बताइए, सिंगल लेवल पढ़ रहे हो आप? ठीक है, एक क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, हेरारिकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, हेरारिकल की स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ। एच आई ई आर ए आर सी एच आई एर, हेरारिकल। ठीक है, बता दो, अब डायग्राम थ्रू बता दो। तो देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, मान लो पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास से क्या कर रहे थे, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किस में आ रही थी, चाइल्ड में, ये सिंगल लेवल हो गया। मल्टी लेवल देखो जरा, मल्टी लेवल देखो, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड और इसका चाइल्ड। ठीक है, ये जो पेरेंट है अपने ग्रैंड पेरेंट का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड अपने पेरेंट का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, तो ये क्या आ गया, मल्टी लेवल। ठीक है, हायरार्किकल देखो, हायरार्किकल में क्या आ गया, पेरेंट और उसके दो चाइल्ड, पेरेंट और दो चाइल्ड। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, अब समझ में आ गया, इन दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है, एक और होता है मल्टीपल, चार होते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है ना? एक होता है मल्टीपल। हाँ जी, हाँ जी, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस में लागू नहीं किया गया, सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए आप क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ वो इंटरफेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंटरफेस, बताऊंगा अभी। आप इन तीनों के बारे में देखो, ये इनका डिफरेंस क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया ना, बताओ बताओ। अब इस पर ये मुझे बताओ, चलिए मल्टी नहीं लेवल से रिलेटेड मैं कोड करके दिखा देता जैसा हूँ। आपने सिंगल बताया मल्टी लेवल, ये यूज कहाँ पे होंगे, कैसे यूज होंगे, कैसे अगर आगे एरिक इनहेरिटेंस यूज करना है अगर देखो, कंसेप्ट। अभी क्या कर रहे थे आप, एक क्लास बना रहे थे और दूसरी क्लास के अंदर पहली क्लास की प्रॉपर्टी डाल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल। अब क्या हो गया कि आपके पास तीन क्लास है, ठीक है, बट आप डायरेक्टली फर्स्ट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, पहले आप क्या जाएंगे, सेकंड के पास जाएंगे, क्योंकि सेकंड वाले के पास पहली क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, मल्टी लेवल है ना। अच्छा, पहला उसके बाद जाएगा, फिर वो ऊपर ग्रैंड हाँ, पेरेंट्स उसकी प्रॉपर्टीज उसके पास आ जाती है ना इस तरीके से। और ये क्या आ गया, मल्टी लेवल मतलब एक पेरेंट के दो चाइल्ड, और दोनों चाइल्ड के बाद पेरेंट के कोई ना कोई प्रॉपर्टीज मल्टी होंगे, लेवल नहीं, वो हेरिकल। हायरार्किकल। ठीक है, ये हायरार्किकल का था, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। अब चलिए मैं कोड के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, अभी हमने सिंगल पढ़ लिया, अभी आप सिंगल पढ़े हो, अब कोड के थ्रू कैसे काम करेगा देखना। अभी आपने सिंगल देख लिया, मल्टी लेवल देख लिए, ठीक है, और आपने क्या देख दिया, हायरार्किकल।
एच आई ए आर ए सी एच, कुछ भी स्पेलिंग है रेगल, ठीक है ये रेगल है ना। चलिए अब मैं बता रहा हूँ मल्टी लेवल में काम कैसे किया जाता है, इसी में ही कर देता हूँ ना। अरे सर हमने ये तो कहा देखा, मल्टी लेवल वेरिएबल कहा देखा, आपने सिर्फ बताया अभी है। हाँ बता रहा हूँ, अभी आपने सिंगल सिंगल देखा है ना, तो देखिए ये रहा और ये रहा, सिंगल इनहेरिटेंस की अभी तक आप इससे आप इसको एक्सेस कर लिए, ठीक है। अरे यार इसमें नहीं हो पाएगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दूसरा बनाता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप इसमें कन्फ्यूज जाओगे। क्लास बना लेते हैं हम यहाँ पे, क्लास बना लेते हैं यहाँ पे पेरेंट की, पेरेंट की क्लास बना ली, पेरेंट की क्लास के अंदर मैं पास कर देता हूँ वॉइड इनकी हाइट, हाइट डाल दी, ठीक है। और हाइट में हम यहाँ कर देते हैं 6 इंच, ओके। हाँ ये कर दिया, ये पेरेंट बना दिया मैंने, अब हम चाइल्ड बनाते हैं। तो सर क्लास क्लास में हर बार पेरेंट और चाइल्ड भी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जी पेरेंट कर देता हूँ ना, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। नहीं मतलब ये लिखना पड़ेगा, अरे नाम कुछ भी दे सकते हैं क्लास का, ये मैं मतलब वो आपको मुझे समझ नहीं, मतलब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ग्रैंड पेरेंट नाम को बना दिया मैंने, अब यहाँ पे हम ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड बना देते हैं, जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, पेरेंट रखूँगा, जो क्या करेगा एक्सटेंड करके आपके जी पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होगा उनको ले लेगा, ठीक है। अब इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कलर, क्या है, कलर प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। कलर नाम का बना दिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं डाल देते हैं वाइट, क्या डालते हैं, वाइट कर दिया इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम क्या करते हैं चाइल्ड बना लेते हैं, पेरेंट का चाइल्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे हम रख देते हैं चाइल्ड, जो क्या कर रहा है एक्सटेंड हो रहा है किससे, आपके पेरेंट से। ये मैं कौन सा टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको भाई, अच्छा वॉइड। और यहाँ पे हम डाल देते हैं वॉइस, इसकी वॉइस अच्छी है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंट करा देते हैं, और क्या प्रिंट कराते हैं, स्वीट, स्वीट वॉइस लिख देते हैं, ठीक है। तो देखा आपने कैसे कैसे काम हो रहा है इसमें। अब क्या करोगे यहाँ पे, क्लास ऐसी एक मेन क्लास बना लिया आपने, जिसके अंदर आपने मेन फंक्शन बना लिया, मेन फंक्शन बनाया इसके अंदर। अब मेन फंक्शन से अब वो अब माइंड में क्वेश्चन ही आना चाहिए यार, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, है ना। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, ठीक है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या रखा, चाइल्ड रखा, ओबीजे इक्वल टू न्यू क्यूबिट का यूज़ करा और चाइल्ड लिख दिया, ओके। ओबीजे से क्या करोगे आप, किसको कॉल करेंगे, हाइट को, करा दिया। ओबीजे से आप किसको कॉल करेंगे, कलर को, करा दिया, है ना। ओबीजे से आप किसको कॉल करेंगे, वॉइस को, करा दिया, है ना। अब देखते हैं ये आंसर देगा, ये प्रिंट एलएन स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड फॉर प्रिंट स्ट्रिंग, केवल कहाँ रद्द कर दिया, इंच वाला दे रहे हो, ला केवल 6 इंच बता रहा है। ला। एक मिनट रुको, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो देखिए यार यहाँ पे सिंगल वाला तो आपको समझ में आ गया था, और सिंगल वाला तो आपको समझ में आ गया था यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये मल्टी लेवल का बताया है, ठीक है, सॉरी हायरार्किकल का बताया है ना। हायरार्किकल में क्या है कि एक दो चाइल्ड, दो चाइल्ड एक पेरेंट से प्रॉपर्टीज एक्सेस करवा रहे हैं। तो मैंने देखो इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये क्या कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को भी दिखा रहा है और पेरेंट की प्रॉपर्टीज को भी दिखा रहा है। जब आप इस पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी दिखा पाएगा और इस पेरेंट की प्रॉपर्टी दिखा पाएगा, ठीक है। ये क्या था आपका हायरार्किकल। अब यहाँ पर क्या है कि हायरार्किकल के बाद बात करते हैं आप मल्टी लेवल की, तो मल्टी लेवल का सिंपल सा फंडा है ये वाला पेरेंट। तो पेरेंट जो है जी पेरेंट की, जी ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज ले पा रहा है,
और इसके बाद खुद की भी प्रॉपर्टीज है, और जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज ले पा रहा है और आपके ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज ले पा रहा है, दोनों की ले पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मल्टी लेवल। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और कल हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।